खदान के जो है नहीं पूरा किया जाता है। चारों तरफ बारिश हो रही है, उसके बाद तमाम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मैं देख रहा था रास्ते में बड़े बुजुर्ग लोग जो काफी उम्र के, मुझे लगता है कि 70 प्लस एज के भी होंगे, ऐसे लोग आज इस अभियान में जुड़ रहे हैं। इस अभियान की मैं इसी को एक बड़ी सफलता मानता हूँ कि जनता इसको अपना अभियान मान रही है। जो हमने आह्वान किया था, मेरा पौधा मेरी याद, आज उससे सब लोग जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बेहद प्रसन्नता की बात है और मुझे लगता है कि जो जिस मिशन को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर ये अभियान हमने शुरू किया है, केवल वृक्षारोपण नहीं है बल्कि ऋषि प्रणा के पुनर्जीवन का सवाल है। और ये एक दिन निश्चित रूप से जो ऋषि प्रणा है वो पुनर्जीवित होगी। आपको लगता है सर जो इसका जनता इसमें जुड़ रही है, लेकिन ये भी मेरे को लगता है कि इसमें इसको लगातार चलाना पड़ेगा। केवल आज हमने यहाँ पर वृक्ष लगा लिए, एक वर्ष और लगा ले, उससे काम नहीं चलेगा। तो हमको तमाम जो इसमें एडिशनल हमको कुछ सोचना पड़ेगा, गंदे नाले इसमें ना जाएं, जो नाले जा रहे हैं वो साफ करके रिस्पना में जाएं, जो जितने वाटर शेड हैं यहाँ पर उन सब वाटर शेड को हम डेवलप करें, उनको विकसित करें ताकि रिचार्ज होता रहे। उसके लिए ट्रेंचेज बनेंगी, जगह जगह खंतियाँ बनेंगी और पानी जो बरसात का पानी है वाटर सेट्स में रोक करके धीरे धीरे वो नीचे आए, रिश्पना में आए, इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है जब भगीरथ गंगा को स्वर्ग से ला सकते हैं तो हमको तो धरती पर आई हुई गंगा को ही केवल जोड़ना है, उसको संरक्षित करना है।